एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया। लेकिन वे काउंटर पे जब पेमेंट करने गया तो उसे पता चला कि वो तो अपना वॉलेट घर पर ही भूल आया है। और फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा इरिटेशन उस शॉपकीपर को भी फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर उसने जूते पैक कर दिए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक उस शॉप पर आता है और कहता है दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज़ आप इसे चेंज कर दो। ग्राहक ने माफ़ी मांगते हुए 6 नंबर के जूते की जगह 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट साथ लेकर आया था, उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितनी समझदारी से काम किया, ना अपने जूते खोए और ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस इसे सुन के आपको कैसा लगा? हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और आज इंसान को गुरूर है कि वो काफ़ी आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजी में भी एडवांस हो गया है। लेकिन आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स दोबारा बनाई गई सड़कें, साल तो छोड़िए साहब 5 महीने में नहीं टिकती, वहीं 1000 साल पुरानी बनाई गई सड़कें आज भी मजबूती से टिकी हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रोमन्स के द्वारा बनाई गई 2100 साल पुरानी ये सड़क आज भी इतनी मजबूत और टिका हुआ है। क्या वजह है? हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग इतने पीछे हैं। इसके पीछे की वजह हमारी सोच। गाइज आज जूते शोरूम में बिक रहे हैं लेकिन किताबें फुटपाथ पे बिक रही हैं। आज जूतों की कीमत आसमान छू रही है लेकिन किताबें रद्दी के भाव बिक रही हैं। गाइज आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोग सोशली अंधी और डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप लोगों को नहीं लगता कि हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में का हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमें भी ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा और अगर इकोनॉमी गिरेगी तो हमारी बैंड बच जाएगी। पर सवाल यह है कि इकोनॉमी कब बढ़ेगी कब गिरेगी ये पता कैसे लगाएं? तो देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है MUI मेंस अंडरवेयर इंडेक्स। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन 2008 के रिसेशन से पहले वॉर्मर फैड के चेयरमैन ने भी इसी का इस्तेमाल किया था। अब ये क्या है, इसे सिंपल शब्दों में समझिए। देखिए ज़्यादातर घरों में आदमी लोग ही कमाने वाले होते हैं और आदमियों के कपड़ों में अंडरवेयर सबसे ज़्यादा अंडररेटेड होते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देख लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फिर भी आदमी लोग अंडरवेयर खरीदते हैं तो मार्केट में पैसा है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। अगर आदमी लोग अंडरवेयर नहीं खरीदते हैं तो इकोनॉमी गिर रही है। बात तो ठीक लग रही है, फिर भी आपका इसके बारे में क्या? को फूलों का राजा कहा जाता है और सीजन आने पर हर कोई इसके स्वाद का मजा लेना चाहता है, पर जिसे शुगर या डायबिटीज़ है वो चाहकर भी इसके स्वाद का मजा नहीं ले पाता, उन्हें अपना मन मारना पड़ता है क्योंकि बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन भी करना पड़ता है। लेकिन शायद अब शुगर के मरीजों को इस बात की चिंता ना करनी पड़े क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स ने साइंटिफिकली मॉडिफाइड शुगर फ्री मैंगो बना लिए। गाइस आप ठीक सुन रहे हैं, शुगर फ्री मैंगो मार्केट में आने वाले हैं जिनको सुनारा ग्लीन और कैट के नाम से निकलेंगे, जिसमें 4 से 6% ही शुगर का कंटेंट होगा, तो शायद शुगर के मरीज आम का मजा ले पाएंगे। गाइस क्या इससे पहले आपको ये फैक्ट, अगर आप भी फिट और हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपने खाना खाने के तरीकों में कुछ बदलाव करना बेहद ही ज़रूरी है। उसमें से पहला कारण यह है कि आपको ठंडा खाना खाने की आदत छोड़नी होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खाने को भी ठंडा करके खाते हैं, पता नहीं क्यों, पर ठंडा खाना खाने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा समय और ज़्यादा एनर्जी लगती है खाना पचाने में। इसके अलावा भरपेट खाना भी नहीं खाना चाहिए, कुछ तो पेट को खाली छोड़ना ही चाहिए। आयुर्वेद यह कहता है कि भरपेट खाना ना खाने से आपका खाना आसानी से पचता है। और दूसरा, आपको वाइट राइस कितने भी पसंद हो, अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको वाइट राइस खाना छोड़ना पड़ेगा। इसकी जगह पे आप ब्राउन राइस भी खा सकते हैं क्योंकि ब्राउन राइस में वाइट राइस के मुकाबले आधी कैलोरी होती है। गाइस आपको ये हेल्थ टिप कहते हैं।